अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि आप सल्लम ने इन लोगों से कहा दैट यू शुड ट्रीट योर वमेन वेल एंड बी काइंड टू देम फॉर दे आर योर लाइफ पार्टनर्स एंड कमिटेड हेल्पर्स एंड इट इज़ योर राइट दैट यू डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद एनी वन of whom you do not approve. His will is never to be unchaste. यानी कि इसको ट्रांसलेट करके साथ साथ मैंने बताया था कि अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो और इनके साथ नरमी से पेश आओ क्योंकि वो तुम्हारी पक्की मददगार है और तुम्हारा हक इन पर यह है कि वो किसी ऐसे के साथ ताल्लुकात ना बनाए जिसे तुम तस्लीम ना करो, इसी तरह ना ही कभी बुरे कामों में वो मुलविस हो। तो आज की वीडियो लेक्चर नंबर 3 में एक बार फिर आप स्वलम जो है इन लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ दिलाना चाहते हैं और इनसे कहते हैं, ओ पीपल लिसन टू मी इन अर्नेस्ट, मेरी बात को गौर से सुनो। कभी वो कह जो ट्रांसलेशन है कभी लेसन टू मी इन अर्नेस्ट, गिव मी इन अटेंटिव एयर, आई नीड योर अटेंशन, डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो है वो यूज़ करता है। और सबसे पहले आप सल्लम ने इन लोगों से क्या कहा, वर्शिप अल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करना तुम पर फ़र्ज़ है। से योर 5 डेली प्रेयर्स, इट मीन्स से योर प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे ऑन डेली बेसिस एंड फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। सो ये अरकान इस्लाम है, अरकान इस्लाम को बड़े तकीद के साथ आप सल्लम ने इनसे कहा कि इस पर अमल करो, फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान, और रमज़ान के महीने में क्या करें, रोज़े रखें, एंड गेव योर वेल्थ इन ज़कात, और आपके पास जो अल्लाह की दी हुई दौलत है इसमें से ज़कात दिया करो, परफॉर्म हज, और आप लोग हज जो है वो परफॉर्म करें, वो फरीज़ा भी अंजाम दें, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, वो क्या है, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, अगर आप इसकी इस्तेआत रखते हैं, अगर आप इसकी कुव्वत रखते हैं, अगर आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, अफोर्ड इट, आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप हज परफॉर्म करें। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पहलू की तरफ उनकी तवज्जो को दिलाना चाहते हैं आप सल्लम। आप सल्लम ने इनसे कहा कि तमाम इंसान जो है वो आदम और हवा की औलाद है, किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है, न किसी अजमी को किसी अरबी पर, न किसी अरबी को किसी अजमी पर, न किसी काले को किसी गोरे पर, और न किसी गोरे को किसी काले पर। अगर किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल है, बर्तरी हासिल है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ की वजह से, उस वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से कि वो तकवे वाला बंदा हो, तो उसको दूसरे नेकोकार बंदा हो, नेक काम करने वाला बंदा हो, तो उसको दूसरों पर फौकियत या बर्तरी हासिल है अल्लाह के करीब, अल्लाह के सामने। सो यहाँ पर आप सल्लम ने क्या कहा, हम पढ़ते हैं इसको, ऑल मैन काइंड इज़ फ्राम एडम एंड ईव। मैन काइंड के साथ देखें इज इस्तेमाल करते हैं, ऑल मैन काइंड, ये ना हो कि आप क्या करें, कभी कभी ये मिस्टेक करते हैं कि ऑल को देखकर यहाँ पर और लगाते हैं, तो और नहीं लगाते, यहाँ पर ऑल मैन काइंड और फ्राम एडम एंड ईव, ये गलत होगा, ऑल मैन काइंड, मैन काइंड जो है वो कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ इस का इस्तेमाल करेंगे, कुछ कलेक्टिव नाउन के साथ हम और भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कलेक्टिव नाउन है उनके साथ इस का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑल मैन काइंड इज फ्राम एडम एंड ईव, तमाम इंसान जो है, बनी नो इंसान जो है वो
आदम अलैहिस्सलाम और हवा की औलाद है। एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी, किसी अरबी को कोई बर्तरी हासिल नहीं है, कोई फोकियत हासिल नहीं है ओवर अ नॉन अरब। नॉन अरब कौन है? जो अरब का रहने वाला नहीं है, जिसको क्या कहते हैं? अजमी कहते हैं। और अ नॉन अरब या कोई जो अजमी हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर एन अरब, किसी अरबी पर उसे फौकियत हासिल नहीं है। और साथ साथ ये भी कहा, आल्सो ये भी बात है, दैट अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत, नॉर डज अ ब्लैक हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट, ना किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल है, एक्सेप्ट, यहाँ पर फिर एक कंडीशन है, एक्सेप्ट माँ सिवाय एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट बाय पायटी एंड गुड एक्शन। अगर आप क्या है, आप तकवे वाले हैं, आप तकवादार हैं और आप नेकोकार हैं, तो फिर आपको किसी दूसरे पर फौकियत हासिल है। लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी अदर मुस्लिम। ये बात तुम्हें समझने की ज़रूरत है, याद रखो हर मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान का भाई है। हर मुसलमान, एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू अदर मुस्लिम, एंड दैट मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड। और ये भी याद रखें कि मुसलमान एक भाईचारा बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट दे मेक, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स दे मेक वन ब्रदरहुड। वो जिस तरह के हम कहते हैं कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, सो दैट द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, सब मुसलमान एक भाईचारा बनाते हैं। नथिंग शेल बी लेजिटिमेट टू अ मुस्लिम विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम अनलेस इट वॉज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली। कोई भी चीज़ लेजिटिमेट का मतलब है लॉफुल। लॉफुल किसको कहते हैं? जायज़ को कहते हैं। तो हुजूर सल्लम ने यहाँ पर ये बात वाज़ह कर दी कि कोई चीज़ जो है वो कानूनी नहीं होगी, जायज़ नहीं होगी, हलाल नहीं होगी, वो लॉफुल नहीं होगी, वो एडमिसिबल नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगी, किसके लिए? किसी दूसरे मुसलमान के लिए, जब तक उसका मुसलमान भाई जो है अपनी मर्ज़ी से या आज़ादी से वो चीज़ उसको ना दे। सो नथिंग शेल बी लेजिटिमेट, कोई भी चीज़ जो है वो हलाल नहीं होगी, जायज़ नहीं होगी, लॉफुल नहीं होगी। सो लेजिटिमेट की मीनिंग आप क्या लिखेंगे? वैलिड नहीं होगी, लेजिटिमेट हलाल नहीं होगी, वो लॉफुल नहीं होगी टू अ मुस्लिम, किसी दूसरे मुसलमान के लिए, विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम, जो दूसरे उसके दूसरे मुसलमान भाई की है वो चीज़, अनलेस जब तक इट वॉज गिवन फ्रीली एंड वेलिंगली, अपनी मर्जी से। वेलिंगली मीन्स अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से, यानी उसे कोई फोर्स ना करेगी ये चीज़ उसको दे दे, वो अपनी मर्जी से उसको दे दे, अपनी आज़ादी से उसे दे दें, तो फिर वो उसके लिए जायज़ है। डू नॉट देयर फॉर डू इन जस्टिस टू यूर सेल्व्स, इसलिए अपने साथ ना इंसाफी ना करो। डू नॉट देयर फॉर डू इन जस्टिस टू यूर सेल्व्स, इसलिए अपने साथ ना इंसाफी ना करो। ये अगर तुम करते हो किसी के साथ ऐसा सलूक, तो इसका मतलब है कि ये तुम अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हो। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप स्वलम एक बार फिर एक अहम पहलू की तरफ इन लोगों की तवज्जो को दिलाना चाहते हैं, और इनसे कहते हैं कि याद रखो, रिमेंबर, याद रखो, वन डे यू विल अपेयर बिफोर अल्लाह, एक दिन तुम्हें अपने अल्लाह के सामने हाजिर होना है। अपेयर, यू विल हैव टू कम टू द फ्रंट ऑफ द अल्लाह एंड आंसर योर डीड्स, और तुम्हें अपने अमाल के बारे में जवाबदेह होना है। आंसर योर डीड्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड्स, यू आर अकाउंटेबल फॉर योर डीड्स, सो बी वेयर, लिहाजा खबरदार रहो। डू नॉट स्ट्रे फ्राम
the path of righteousness after I am gone. Do not stray. Stray means go away from the right path. Bhatak jana, gumrah hona. Gumrah hona aur bhatak jana, iski Urdu meaning hai aur English mein hum ise kya keh sakte hain, simple words mein, that you should not go away from the right path. Aur wo kya hai? Wo neki ka rasta hai, righteousness. Do not go from the right path of righteousness, neki ke raste se mat bhatko, gumrah mat हो. आफ्टर आई एम गॉन, मेरे जाने के बाद, मेरे वफात होने के बाद. गॉन का यहाँ पर क्या मतलब है, हम कह सकते हैं व्हेन आई एम डाइड. यू शुड नॉट गो अवे फ्रॉम द राइट पाथ ऑफ राइटियसनेस. तो लोगों की तवज्जो एक बार फिर इस अहम पहलू की तरफ आप सल्लम ने दिलाई. सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप सल्लम ने इनकी तवज्जो को एक खास बात की तरफ दिलाना दिलाई और आप सल्लम ने इनसे क्या कहा एक बार फिर. ओ पीपल, ए लोगों, नो प्रॉफिट आर अपोसल शेल कम आफ्टर मी एंड नो न्यू फेथ शेल बी बर्न. नो प्रॉफिट आर अपोसल, कोई रसूल या नबी जो है मेरे बाद नहीं आएगा. तो ये देखें, आप सल्लम ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी, कन्फर्मेशन कर दी, दैट नो प्रॉफिट और अपोसल शेल कम आफ्टर मी, कि मेरे ने बाद कोई रसूल या नबी जो है या पैगंबर जो है वो नहीं आएगा. एंड नो न्यू फेथ शेल बी बर्न, और कोई नया अकीदा जो है वो पैदा नहीं होगा. यानी कि आप सल्लम ने इस बात की खुद तस्दीक कर दी that I am the last and final prophet of Allah, apostle of Allah. Reason well means apne zehan se kaam lo. Therefore, O people, isliye ye logo apne zehan se kaam lo and understand words which I convey to you. Aur in alfaz ko samajhne ki koshish karo jo main tumhe pahunchane ki के लिए बोल रहा हूँ. अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स विच आई कन्वे टू यू, इन अल्फाज को समझने की कोशिश करें जो मैं आप लोगों को पहुँचा रहा हूँ. आई लीव बिहाइंड मी टू थिंग्स, आप सल्लम ने इनसे कहा कि मैं अपने पीछे दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, और वो दो चीज़ें कौन सी है? दी कुरान एंड माई एग्जाम्पल. और वो जो एग्जाम्पल है आप सल्लम की, उसको हम क्या कहते हैं? दी सुन्ना. यानी कि कुरान और जो मेरी मिसाल है जिसको हम सुन्ना कहते हैं, सुन्नत कहते हैं, ये दो चीज़ें मैं अपने पीछे छोड़कर जा रहा हूँ. एंड इफ़ यू फॉलो दीज टू, अगर आप इन दो की पैरवी करें, यू विल नेवर गो अस्ट्रे, तो आप लोग कभी गुमराह नहीं होंगे. यू विल नेवर गो अस्ट्रे, अस्ट्रे एक बार फिर रिपीट हुआ यहाँ पर, तो आप लोग कभी स्ट्रे और अस्ट्रे, दे हैव द सेम मीनिंग. सो आप कभी गुमराह नहीं होंगे, आप कभी सही राह से नहीं भटकेंगे. तो आप सल्लम ने दो चीज़ों को फॉलो करने की ताकीद की, एक कुरान और एक सुन्ना. सो जो कुछ कुरान में है और उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो सुन्ना है. जैसा कि किसी सहाबी ने आयशा रदी अल्लाह से पूछा कि व्हाट डू यू से अबाउट दी करेक्टर ऑफ और होली प्रॉफिट, कि आप हुजूर सल्लम के करेक्टर के बारे में क्या कहती है. तो आयशा रदी अल्लाह ने जवाब में फरमाया दैट हिज करेक्टर इज़ दी प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ दी होली कुरान. यानी कि जो कुछ कुरान में है, अगर उसकी हम प्रैक्टिकल फॉर्म देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल सूरत में उसको देखना चाहते हैं, तो वो हुजूर सल्लम का किरदार है. तो यहाँ पर ये बात और भी वाज़े हो गई कि अगर हम इस दुनिया में और इसके बाद आने वाली दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, वी शुड फॉलो दीज टू थिंग्स इन आवर लाइफ, दी कुरान एंड दी सुन्ना.
नेक्स्ट पैराग्राफ इस लेसन का और इस खुतबे का आखिरी पैराग्राफ है, जिसमें आप सल्लम ने इन लोगों से कहा कि आप लोग मेरे इन अल्फाज को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, और फिर जिन लोगों को आप लोग मेरे अल्फाज पहुंचाएंगे वो आगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं दुआ करता हूँ कि जो आखिरी बंदा जो बराह रास्त मुझे नहीं सुन पा रहा, वो मेरे अल्फाज को यहाँ पर मौजूद लोगों के मुकाबले में बेहतर समझे और इस पर अमल भी करें। सो आप सल्लम ने क्या कहा इन सुनने वालों से? ऑल दोज हु लेसन टू मी ऑल दोज हु लेसन टू मी शेल पॉस ऑन माई वर्ड्स टू अदर्स। ये सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, पॉस ऑन, ये पहुंचाएंगे माई वर्ड्स, मेरे इन अल्फाज को, टू अदर्स, दूसरे लोगों तक। एंड दोज, और वो जो दूसरे लोग होंगे, टू अदर्स अगेन, वो फिर आगे और लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एंड मे द लास्ट वंस अंडरस्टैंड माई वर्ड्स बेटर देन दोज हु लेसन टू मी डायरेक्टली। एंड मे, यहाँ पर ये दुआ है, मे हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? दुआ के लिए, ख्वाहिश के लिए, बददुआ के लिए। जिस तरह हम किसी को कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, मे यू डाई यंग, जिस तरह किसी को बददुआ देते हैं, मे यू रीच योर होम सेफ एंड साउंड। तो मे जो है ये क्या है, अपटेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में, तो ये एक अपटेटिव सेंटेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, विश का इजहार करते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, दुआ देते हैं या बददुआ देते हैं। तो यहाँ पर आप सल्लम ने दुआ दी, मे द लास्ट वंस, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ अल्लाह ऐसा करे कि जो आखिरी बंदा होगा जो मेरे अल्फाज को सुने, अंडरस्टैंड माई वर्ड्स बेटर देन दोज हु लेसन टू मी डायरेक्टली, कि वो मेरे अल्फाज को बेहतर समझे इन लोगों के मुकाबले में जो बराह रास्त मुझे यहाँ सुन रहे हैं। अब ये अल्फाज कहने के बाद आप सल्लम ने, आप द होली प्रॉफिट लुक्ड अप टू द स्काई, आसमान की तरफ देखा और क्या कहा, बी माई विटनेस, तुम गवाह रहो, तू गवाह रहे, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, तू गवाह रहे, दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज, कि मैंने आपके पैगाम को इन लोगों तक पहुंचा दिया है, टू योर पीपल, यानी जो मेरे जिम्मे था वो काम मैंने अंजाम दे दिया है, और जो आपका हुक्म था उस हुक्म को मैंने पूरा कर दिया है। तो इसलिए आपने, द होली प्रॉफिट लुक्ड अप टू द स्काई और क्या कहा, बी माई विटनेस, तू गवाह रहे, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज, कन्वे मीन्स पास ऑन, योर मैसेज, आपका पैगाम, टू योर पीपल, आपके लोगों तक, आपके बंदों तक। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन, द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कल जो हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे, सामने आएंगे, तो उसमें कुछ एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ के साथ साथ हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि इस लेसन को हम थारूली अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर उसके बाद हम अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई मुश्किल आपको आती है तो वो ज़रूर शेयर करेंगे, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।